सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं इस समय हरियाणा की यात्रा पर हूं और इस समय मैं पहुंचा हुआ हूं ये हिसार और फतेहाबाद के बीच में अग्रोहा जगह है, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, भाषाविदों ने और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये प्रूफ किया है ये बौद्धकालीन विरासत है। और यहां भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, कई बौद्धकालीन सिक्के और कई हथियार बौद्धकालीन मिले हैं। ये देखिए बुद्ध विहार है, ये पुराना सेंटर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी एरिया में बना हुआ है। आप चारों तरफ देखें, ऐसी कोई जगह नहीं है भारत में जहां तथागत भगवान बुद्ध की पुरानी विरासतें नहीं पड़ी हैं। एक्चुअली आपने 1250 साल यहां शासन किया था, इसलिए जगह जगह बुद्ध की विरासतें पड़ी हुई हैं। और आप देख सकते हैं हमारे साथ पूरी हरियाणा उपासकों की टीम है, भंते जी हैं और यहां के जितने भी जागरूक जिंदा लोग हैं वो लगभग सब हमारे साथ हैं इस समय, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत ही बड़ी विरासत है, मैं कह सकता हूँ तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, बोधगया, कुशीनगर, राजगिरी, नालंदा की टक्कर की ये जगह है। जरूर यहाँ कोई बहुत बड़ी विरासत रही होगी, पुस्तकालय रहा होगा, बुद्ध विहार रहा होगा, चैत्य रहा होगा। और पूरा बुरा विश्वास है, अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, कई लोगों के माध्यम से त्रिपिटकों का अध्ययन कर रहे हैं कि यहाँ के लोग तो बता रहे हैं, इतिहासकार डॉक्टर लाल सिंह जी का कहना है कि यहाँ तथागत भगवान बुद्ध भी यहाँ कभी आए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पूरे भारत के दर्शन कराता रहूंगा, जहां जहां बुद्ध की विरासतें आपको बताता रहूंगा। आप जहां हैं वहीं जागरूक हो जाएं और विरासत का काम करें, अपने पुरखों की संस्कृति को संभालें। न मेरी नजर में, दुनिया की नजर में आप नालायक संतान साबित होंगे, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अपील करना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।